हेलो एवरीवन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम कर रहे थे पिछले पार्ट में। पार्ट मेथड बताया था मैं सिंथेसिस का, अल्केन का, और सेकंड पार्ट में बाकी जो मेथड्स है उसको डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से पांच मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट वन में। अल्कीन या अल्काइन, आई मीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं तब बनता है अल्कीन, ये मैंने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना, उसके क्या किया, रिडक्शन किया अल्काइल हैलाइड की, वो हमने कर लिया। थर्ड मेथड क्या पढ़ा हमने, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाटर से ट्रीट करेंगे या फिर अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो इट विल गिव अल्केन, वो कर लिया। उसके बाद ऊर्ज रिएक्शन किया, एल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो हायर अल्केन बनाएगा। फिर कोरीहाउस सिंथेसिस, ये पांच मेथड हमने डिस्कस कर लिए। आज सिक्स्थ मेथड है, मेथड सिक्स्थ मेथड क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेबोरेटरी मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन का, बहुत सारा मेथड है तो कौन सा मेथड है लेबोरेटरी मेथड, दिस वन नहीं, ये है लेबोरेटरी मेथड है। तो जब सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट और मोनोकार्बोनिक एसिड को हम जब हीट करते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तब मुझे अल्केन मिलता है। सोडा लाइम क्या है, पहले सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो सोडा लाइम क्या है, CaO 75% रहता है सोडा लाइम में और NaOH 20% रहता है, बाकी 5% KOH और वाटर, बाकी KOH और वाटर, तो मेनली NaOH और CaO लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट इसको ट्रीट कर दो सोडा लाइम से हीट कर दिया, क्या बना, CH4 मीथेन प्लस Na2CO3 बैलेंस्ड हुआ। ये क्या निकल गया, Na2C दो ऑक्सीजन आया, Na2CO3 निकल गया और ये इससे अटैच हो गया, तो क्या हो गया, ये यहां तो दो कार्बन है लेकिन ये प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कार्बन वाली, तो होमोलोगस सीरीज में या जो भी हो ये डिग्रेडेशन मेथड है। डिग्रेडेशन इन द सेंस कि हायर कार्बन से स्टार्ट करेंगे लेकिन एक कार्बन कम मिलेगा, एक कार्बन कम, तो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोनिक एसिड। यहां पे क्वेश्चन आएगा, अगर सोडा लाइम के बदले में केवल NaOH भी हम यूज करते हैं वो लो टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर CO डाल दिया तो टेम्परेचर हाई भी हो गया तो दिक्कत
नहीं है। अगर सोडा लाइम देते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस सेवेंथ मेथड। कोल्ब्स मेथड अलग है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, ध्यान रखोगे। थोड़ा थोड़ा की गलती के कारण चार नंबर पांच नंबर का नुकसान होता है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कोल्ब्स मेथड अलग है। इसमें क्या करते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। देखो CH3 है, COONA, इसके इलेक्ट्रोलिसिस। इस पे बहुत क्वेश्चन बन रहा है। ये बताओ इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को क्या बोलते हैं? बोलो वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं। तो ये इसको डाल दिया वोल्टामीटर में, इन वोल्टामीटर। वोल्टमीटर अलग चीज होता है। वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन वोल्टमीटर कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये याद रखोगे। वोल्टामीटर है। इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा डीसी करंट से होता है, एसी से नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन है, अगर यहां एसी डाल दिया 12 वोल्ट एसी तो कुछ नहीं बनने का, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होने का। यही सब चीज है जो ध्यान देना है हमको। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा एनायन और केटायन में, हो गया। और वहां क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड आता है, एक एनोड दूसरा कैथोड। यह हुआ सोडियम एसीटेट, एसीटेट एट एनोड, एनोड पे। अच्छा ये नियम रिएक्शन में अच्छे तरह से उसको किया हुआ है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को वहां भी आप देख सकते हो। तो क्या होगा, एनोड पे एनायन गोज टू एनोड, इसलिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। एनायन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। ऑक्सीडेशन कहां होता है? तो एनोड पे। एनायन गोज टू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस वन, ये माइनस लिखा हुआ है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सोडियम और ऑक्सीजन के बीच, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का है और एक ऑक्सीजन का है। तो ये दोनों ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दो शिफ्ट हुआ, लेकिन एक तो इसका अपना है तो एक ही परसिस्ट कर रहा है। यहां पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो दो माइनस हो रहा है तो यहां दो डाल दो। तो ये COO माइनस हो गया, सॉरी सॉरी, ये फ्री रेडिकल क्यों रख दिया,
क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है ये जो उससे लिया है सोडियम से, वो इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया मैंने, माइनस टू कर दिया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है वो है, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये होता क्या है, ये फ्री रेडिकल ये रिएक्टिव है, तो नेचर का रूल है स्टेबिलिटी गेन करना, तो थर्मोडायनेमिकली वो चीजें ज्यादा होगी जिससे कि सिस्टम की एनर्जी कम हो, तो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है ये, CO2 निकल जाएगा और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये तो अकेले मिथाइल फ्री रेडिकल है, क्या करेगा, कहां से जुड़ेगा किससे, तो आपस में ही जुड़ जाएगा, क्या होगा, आपस में ही जुड़ जाएगा ये एक और फ्री रेडिकल लिया और ये इथेन बन गया CH3। अब देखो एनोड पे क्या बन रहा है, एक तो CO2 निकल रहा है और दूसरा अल्केन बन रहा है और ये भी हायर अल्केन बन रहा है, या फिर ये कहो कि हाँ जितना कार्बन इसमें था उतना ही कार्बन, इसमें भी दो कार्बन था तो दो कार्बन वाली बन गई। अब कैथोड पे क्या होगा रिएक्शन, सॉरी केटायन गोज टू कैथोड, तो ये सोडियम आ जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे क्यों आएगा, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऑक्सीजन स्टेट कम जाएगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2O से रिएक्शन करेगा। H2O कहां से आ गया, ये जो सोडियम स्टेट की सॉल्यूशन है उसमें तो है ही पानी, तो ये हो गया 2NaOH प्लस H2, यहां हाइड्रोजन निकला आपका, यहां हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन निकल रहा है, ध्यान दो इसमें, इसमें अगर इसके बदले एच यूज किया तो ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट, तो यहां एच यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, निसेंट हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके यहां H2 बनाएगा। तो अगर सोडियम फॉर्मेट लेते हैं तो एनोड पर भी हाइड्रोजन निकलेगा और कैथोड पर भी हाइड्रोजन निकलेगा, ये समझा करो आप अच्छी तरह से, ठीक है, इस मेथड से मीथेन नहीं बनेगा, लिमिटेशन से इससे मीथेन नहीं बनेगा। और देख रहे हो यहां जो ग्रुप है वैसा वैसा दो कंबाइन हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन यही बनेगा, इवेन नंबर वाली और भी सिमेट्रिकल। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ना है कि घर जाना है पढ़ना, चलो अब डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटो, ये एट्थ मेथड है, डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनाएंगे। उसके दो मेथड है, डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, डायरेक्ट रिडक्शन करेंगे, दो मेथड है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन CLEMEN, गलत तो नहीं लिख दिया, क्लेमेंसन
रिडक्शन इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, एमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। अगर आप लोगे एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लो और ट्रीट कर दो इसको, एमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl से, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ZnCl तो बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन यहां कंबाइन करेगा और ये बनाएगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म नियम रिएक्शन में दिया हुआ है, आप जाओगे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोलोगे वहां भी है, या फिर टाइप करोगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन तो वहां भी आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। तो डायरेक्ट रिडक्शन है। सेकेंड है वुल्फ किस्नर, इसमें क्या है हाइड्राजिन लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हाइड्राजिन H2NNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या तो KOH लो या टर्शियरी या ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, नहीं ब्यूटोक्साइड पोटेशियम ब्यूटोक्साइड ले लो, हाँ तो पोटेशियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है गड़बड़ तो नहीं हुआ, स्ट्रक्चर तो यही है वो, हाँ ठीक तो है, ये हुआ आपका ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड पोटेशियम ट्राइटर्शियरी, रुको इसको चेक करते हैं जस्ट अ मिनट। ऐसे चेक कर लेना ध्यान नहीं आ रहा क्या है, ये पोटेशियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तो ये बनेगा क्या अल्केन बन गया, ठीक। तो ये दो मेथड है क्लेमेंसन्स रिडक्शन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जिससे डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन को हम कन्वर्ट कर देंगे अल्केन में। अब एक और में दो मेथड और है, दो मेथड है, एक तो स्पेसिफिक मेथड है और इसका स्ट्रक्चर जो लिख रहा था वही है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, नहीं ध्यान आ गया पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये है स्ट्रक्चर, क्लियर। तो KOH लो या फिर ये लो, तो ये दो मेथड के बाद तीसरा है एल्कीन में को जब एल्केन से रिएक्शन करते कराते हैं HF के प्रेजेंस में, HF क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बाजू पे अगर ऐसे लगा दिया बस जस्ट वो यहां से कट जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, केवल लगाना है वहां पे बस इतना ही काम करना है, बाकी वो HF खुद कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्काइलेशन ऑफ
एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ HF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा रिएक्शन सब पता है, सबको पता है, ठीक, ये सबको पता नहीं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या लिया जाए, स्टार्टिंग कंपाउंड ये क्या, 2-methyl propene, और ये 2-methyl propane, HF के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये CH3 1, 2, 3, 4, हाँ ये बन गया। ये क्या बना, 1, 2, 3, 4, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये एल्कीन है, इस पे एल्काइल पे अटैच होगा। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। H प्लस आ गया, कहां से आया, HF से। इसका मैकेनिज्म है, अब ये किधर शिफ्ट करेगा, इसके कारण ये किधर शिफ्ट करेगा, या तो इधर शिफ्ट करें इलेक्ट्रॉन, या इधर करें, इधर शिफ्ट करेगा तो यहां पे निगेटिव चार्ज होगा, और ये अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये 3 डिग्री के टर्न होगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। अगर ये यहां पर आता है तो ये 1 डिग्री के टर्न बनेगा, लेस स्टेबल। तो फिर ये स्टेप हुआ फर्स्ट, CH3 और ये CH3 3 डिग्री के टाइम, हाँ 3 डिग्री के टाइम मोर स्टेबल ये बन गया। अब ये सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये फिर इस पे अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा, फिर उसी तरह अटैक करेगा, पहले जैसे हाइड्रोजन अटैक करना था सेम उसी तरह ये अटैक करेगा। ये कहां अटैक करेगा, फिर यहीं पे करेगा, स्वाभाविक है, तब ये 3 डिग्री के टाइम बन जाएगा। इधर यहां शिफ्ट होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया,
ये CH2 और CH2 से क्या अटैच हो गया, ये ग्रुप अटैच हो गया, ये कार्बन हो गया अटैच, अब क्या होगा इसका थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो ये CH3 प्लस CH2 अब आएगा क्या आएगा, अल्कीन 2-methylpropene अब आएगा, अभी तक नहीं आया था, वो बैठा हुआ था सब देख रहा था कि लोग क्या क्या कर रहा है, दो स्टेप चला गया, नहीं दो स्टेप हो गया, उसके बाद भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब उसकी जरूरत पड़ी तो वो कूद पड़ा यहां, अब क्या होगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये ग्रुप भी तो आ सकता है, ये ग्रुप भी तो आ सकता है, लेकिन अगर ये हट रहा है, H- हट रहा है तो 3D कैटायन होगा मोर स्टेबल, और ये अगर हट रहा है CH3 तो 2D कैटायन होगा लेस स्टेबल, इसलिए ये नहीं होगा, ये H- ही अटैक करेगा इस पे, हाइड्राइड आयन ही अटैक करेगा, तो हाइड्राइड आयन अटैक करेगा तब क्या बनेगा, इतना ही पूरा बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो बनाते हैं, छोटा छोटा लिख रहा हूं, ये CH3 यहां तो हाइड्रोजन आ गया, फिर ये CH3 और ये क्या बना, 3D कैटायन, ये बन गया, ये देखो यहां ये 3D कैटायन बना है, नहीं तो ये तो अपने पास इसके बन गया ये 3D कैटायन, तब तो इस स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये HF कहां से, HF से आ रहा है H, तो HF को बोलेगा कि अब तो अपने घर जा, अब मेरा काम हो गया, लेकिन थैंक्स बोल के ही उसको भेजेगा, कब किसी से कब का काम पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको HF को भेज दिया, अब इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है, ये तो इसके पास बन गया, अब सेकेंड वाली स्टेप होगी, ये तो बन गया, सेकेंड थर्ड होते रहेगा, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फोर्थ सबसे लास्ट मेथड है, वो स्पेसिफिक मेथड है, जनरल मेथड नहीं है, वो जनरल मेथड नहीं है, स्पेसिफिक मेथड है, ये स्पेसिफिक मेथड है सिंथेसिस ऑफ मीथेन। इसमें क्या है, वेन एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड इज डिस्टिल्ड विथ H2O, इट गिव्स मीथेन। एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला Al4C3, इसकी जब स्टीम डिस्टिलेशन करोगे आप, स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या बन जाएगा,
AlOH3+CH4 इसको बैलेंस कर दे। यहां एल्युमिनियम की चार एटम तो यहां फोर डाल दो एल्युमिनियम की, कार्बन की थ्री तो यहां थ्री, अब ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 12 यहां 12 डाल दिया, हाइड्रोजन 12 2 24 ये 3 4 12 और ये 3 4 12 ठीक बैलेंस्ड हो गया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्कीन। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन अल्काइन भी आता है एलिफैटिक में, तो अल्कीन का हमने सिंथेसिस पूरा कर लिया, दो पार्ट में किया है, दो वीडियो है, ये पार्ट सेकेंड है, फर्स्ट पार्ट भी आप करना, उसमें 5 मेथड है और इसमें भी 5 मेथड है, ठीक है। अगर वीडियो सही लगा, समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। टिल देन गुड बाय।